हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू का पार्ट 11 पॉली एम्ब्रायोनी टॉपिक लेंगे। अब पॉली एम्ब्रायोनी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों को वर्ड से पता चल रहा है। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, जैसा आप लोगों को पता है। इट मींस दैट कि बहुत सारे एम्ब्रायो हमें देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। इट मींस दैट डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, एक एम्ब्रायो से ज्यादा वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। ये किस तरह से हो सकते हैं, इसके तीन मेन रीजंस हैं। कैसे रीजंस हो सकते हैं, लाइक इसमें एम्ब्रायो सैक, हम लोगों को पता है एम्ब्रायो सैक कहाँ पे होता है, न्यूसेलस में होता है। हम लोगों ने ये ओव्यूल का डायग्राम पढ़ा था और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे न्यूसेलस, और ये था हमारा एक एम्ब्रायो सैक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सिनर्जिड्स एक्सेल एंड देन सिनर्जिड्स, देन दिस वन द पोलर न्यूक्लियर, सॉरी दिस वन इज द एंटीपोडल सेल्स। ओके, यदि हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे यानी एक से ज्यादा एम्ब्रायोनी देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं। इसके तीन मेन रीजन है। ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन एक्सेल, यानी हम लोगों को एक से ज्यादा एक्सेल देखने को मिलता है किसमें, एम्ब्रायो सैक में, तो ये कंडीशन आ सकती है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि मोर देन वन एम्ब्रायो सैक। मैंने अभी इसी ओव्यूल में एक ही एम्ब्रायो सैक बनाया है, पर मुझे यही एम्ब्रायो सैक और ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी का केसेस बता सकते हैं कि मोर देन वन एम्ब्रायो सैक मे बी फाउंड। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, ये जो एंटीपोडल है, ये सिनर्जिड्स है, और कुछ न्यूसेलस के, वो लोग भी क्या करते हैं, एम्ब्रायोनी फॉर्म्ड करते हैं, लाइक अदर सेल्स लाइक सिनर्जिड्स और कौन है, दैट इज द न्यूसेलस। ये लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी एम्ब्रायो डेवलप करते हैं, डेवलप इनटू द एम्ब्रायोस। ओके, तो पॉली एम्ब्रायोनी यानी मोर देन वन एम्ब्रायो, पर उसके कौन से कंडीशन है, ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। एक एक्सेल होगा, एक एक्सेल से ज्यादा हो सकता है, एक से दो एम्ब्रायो हो सकते हैं, और वो एम्ब्रायो बनाने के लिए कौन है, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स या न्यूसेलस, और जो न्यूसेलस बचते हैं वो हेल्प करते हैं। न्यूसेलस यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, ये बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलते हैं। ये लोग जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिलेंगे और सम एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स में हम लोग ले सकते हैं लाइक लेमन है, ओके, ऑरेंज है, ऑनियन है, ग्राउंडनट है, ये सब में हम लोगों को पॉली एम्ब्रायोनी कंडीशन देखने को मिलता है। तो अब इसी पॉली एम्ब्रायोनी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग ये मतलब फार्मर्स पॉली एम्ब्रायोनी मेथड यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉली एम्ब्रायोनी मेथड यूज सबसे करने के लिए एक प्लांट ब्रीडिंग मेथड में ये बहुत यूज्ड होता है। ओके, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज द इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ब्रीडिंग मेथड। प्लांट ब्रीडिंग में होगा और हॉर्टिकल्चर मेथड में। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है जैसे कि हम लोग ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब कुछ ग्रो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मेथड फार्मा सबसे ज्यादा यूज करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉली एम्ब्रायोनी और अपोमिक्सिस मैंने लास्ट पार्ट में भी लिया था, ये दोनों बहुत ही है, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि फ्रूट का फॉर्मेशन कैसा होता है। हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद जो एम्ब्रायो एंडोस्पर्म बना, अब लास्ट में हम लोगों का एक टॉपिक है, दैट इज द फ्रूट। ओके, अब हम लोगों को पता है कि ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, तो वैसे ही अब जो बना रहा है इंटीग्यूमिनेट्स, वो सब क्या बनाते हैं, वो पेरिकार्प में हेल्प करते हैं। तो हम बोल सकते हैं दैट इज द, व्हाट डू मीन बाय द पेरिकार्प, तो वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी का जो
वॉल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, जो हम लोग फ्रूट का जो छिलका बोलते हैं, पील बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पेरिकार्प। ओके, अब फ्रूट्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फ्रूट्स फ्लैशी भी होते हैं, कुछ फ्रूट फ्लैशी भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ड्राई भी होते हैं। फ्लैशी का मीनिंग है जिसमें थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट रहता है वैसा, तो मैंगो है, ग्वावा है, ऑरेंज है, ये सारे क्या है, फ्लैशी है। ओके, वेयर इज ड्राई को हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक ग्राउंडनट है या मस्टर्ड है। ओके, मस्टर्ड यानी सरसों। तो इस तरह से ये सारे फ्लैशी और ड्राई में उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम लोग फ्रूट्स का हम लोग एक और टाइप डिस्टिंग्विश करते हैं। वो डिस्टिंग्विश करने के लिए लाइक बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्रूट्स डेवलप करते हैं, मतलब डायरेक्टली ओवरी से, और फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं फ्लावर जो डायरेक्टली फ्रूट बनाते हैं और उसके फ्लोरल पार्ट्स यानी कैलेक्स, कोरोला, ये सब लोग क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और पूरा एक न्यू फ्रूट डेवलप होता है। तो हम लोग उसको बताते हैं दैट इज दी इन मोस्ट प्लांट्स। तो मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो डायरेक्टली फ्रूट डेवलप करते हैं और उससे फ्लोरल पार्ट्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको मेजरली टू टाइप में डिस्टिंग्विश किया है, दैट इज दी फॉल्स फ्रूट और दैट इज द ट्रू फ्रूट। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स कि थैलेमस क्या होता है। थैलेमस का मीनिंग होता है जिसमें सारे फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। लाइक ये था हमारा सेपल कैलेक्स, ओके, ये था कोरोला, ओके, देन ये था हमारा दैट इज द गाइनेशियम, ये था एंड्रोशियम, इस तरह से। तो थैलेमस क्या होता है, जिसमें सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। तो वैसे ही ऐसे फ्रूट्स जिसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट होता है, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन के लिए भी ये थैलेमस यूज होता है। वैसे टाइप के फ्रूट को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर के पोर्शन में हम लोगों को देखना है, दिखाई देता है थैलेमस, कैश्यू। ओके, अब ऐसा जिसमें थैलेमस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, दैट इज डेवलप ओनली फ्रॉम दी ओवरी, डायरेक्टली वो ओवरी से ही होता है, थैलेमस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज द ट्रू फ्रूट्स। ओके, सो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं लाइक बेरीज, कीवी फ्रूट, आप लोगों ने खाया होगा कीवी, ओके, चेरीज, ये सब कुछ क्या होते हैं, किसमें आते हैं, दैट इज द ट्रू फ्रूट्स में आते हैं स्टूडेंट्स। इसका एक और टाइप आता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट था हम लोगों ने पढ़ा था फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, और थर्ड है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा हुआ था, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो ऐसे फ्रूट डेवलप करते हैं दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, उन लोगों में कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं, सिंगामी, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये कुछ भी नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऐसे फ्रूट डेवलप होना, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल बनाना स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखिएगा, मैंने अपोमिक्सिस भी पढ़ाया था, उसमें था अ सीड विच इज डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, हियर अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम द विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द एग्जांपल बनाना। ओके, ये लाइक पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आल्सो। ओके, तो हम लोग इसको ग्रोथ हार्मोन वगैरह भी सबसे ज्यादा डालते, तो सीडलेस हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हमें पता है कि सीड्स क्या है, एक तरह का एक फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
ओके, तो सीड्स हम लोगों को जो भी है कंसिस्ट होता है मोस्टली सीड कोर से, कोटिलेडन से और एम्ब्रायनल एक्सिस से। अब हम लोग जैसे सीड की बात करते हैं, तो सीड में हम लोगों को पता है कि ये तीन चीजों से ये बना हुआ है। पहला है दैट इज द सीड कोट होना चाहिए उसमें, फिर है दैट इज द कोटिलेडन होना चाहिए, ओके, और थर्ड वन इज द एम्ब्रायनी एक्सिस। ओके, कॉटिलेडन क्या होता है, दैट इज द वो उसके अंदर एक स्वेलन पोर्शन होता है जिसके अंदर फूड स्टोरेज होता है। फूड स्टोरेज जैसे कि चना है, मटर है, उसका दो मेन पार्ट करते हैं, वो क्या है, कॉटिलेडन। आप लोगों ने मोनोकॉट डाइकॉट में भी पहले ये कॉटिलेडन वर्ड पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग मेच्योर सीड्स को मेजरली इसके दो मेन पोर्शन है। ओके, उसको दो मेन पोर्शन में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। पहला आता है दैट इज डाइकॉट, फिर आता है मोनोकॉट। ओके, डाइकॉट में भी इसके दो मेजरली टाइप है, मोनोकॉट में भी है। ओके, डाइकॉट में हम लोग बोलते हैं दैट इज एंडोस्पर्मिक, ठीक है। फिर आता है दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, हियर इट इज द सेम एज एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट। एंडोस्पर्मिक को हम एल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं, और इधर इसको हम लोग एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है। पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसके अंदर कोई भी रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं है। डेवलपमेंट करने के टाइम पे उसका न्यूसेलस का मेन पोर्शन है ये है, वो लोग कोई भी एम्ब्रायनो के अंदर नहीं होता है। एंडोस्पर्म क्या है, पीईएन का एक लास्ट प्रोडक्ट है। हम लोगों ने पता है कि एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का एक लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है। इट मीन्स दैट कि एंडोस्पर्म के अंदर कोई भी दैट इज वो कम्प्लीटली एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रायोनी डेवलपमेंट के टाइम पे ये एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्म में जब एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लाइक पी या ग्राउंडनट। ओके, अब है एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस में हम लोग डायकॉट की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है, कंप्लीटली ये कंज्यूम्ड नहीं होता है, एंडोस्पर्म Not completely consumed, completely consumed. Okay. Similarly, same as in the monocot also. Students, ये mature seeds का accordingly dicot और monocot के हिसाब से मैंने इसका बनाया हुआ है, endospermic, non-endospermic. इसमें हम लोग आप लोगों को ध्यान से ये रखना है। अब मैं आप लोगों को structure of monocot seeds, किस तरह से monocot और dicot seeds के diagrams होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ students. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये मोनोकॉट सीड्स पहले भी पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। मोनोकॉट सीड यानी दैट इज द, हम लोगों ने ये लिया है मेज का लिया है। आउटर लेयर उसका एल्यूरन लेयर होता है, प्रोटीन से बना हुआ है, आपको ये भी पता है, ये प्रोटीन का शीट होता है पतला सा। अब यहाँ पे ये पूरा एक ही कॉटिलेडन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉटिलेडन वर्ड इज यूज्ड फॉर द डाइकॉट एंड वेर इज हियर इट इज यूज्ड एज अ स्क्यूटलम। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हम लोगों ने इसको स्क्यूटलम बोला हुआ है, स्क्यूटलम। ओके, अब यही स्क्यूटलम के बाद ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने बोला हुआ है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से एक और चीज याद आता है स्टूडेंट्स, दैट इज द, व्हाट डू मीन बाय द पेरिस्पर्म। हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने एम्ब्रायो नहीं पढ़ा था, यहाँ पे जो न्यूसेलस था
एम्ब्रायो नहीं, ये एम्ब्रायो सैक था। तो कुछ ऐसे होते हैं न्यूसेलस जो रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स का मीनिंग होता है बाकी बचा हुआ। तो न्यूसेलस जब बचे हुए रहते हैं तो वो क्या करता है, वही फ्रूट में भी आ जाता है और वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस देता है। न्यूसेलस भी फ्रूट का एक पार्ट बन जाता है, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ब्लैक पेपर। एग्जाम्पल हम लोगों ने ब्लैक पेपर लिया है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ओके, ब्लैक पेपर, न्यूसेलस, न्यूसेलस यानी जो हम लोगों ने बताया, न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। पर कितने, कौन से न्यूसेलस, दैट इज दी रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स यानी बचे खुचे हुए, जो बचे हुए हैं न्यूसेलस उसको, वो भी प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ही जो परसिस्टेंट करते हैं, बहुत ही रेसिड्यूअल परसिस्टेंट करते हैं, उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ये एंडोस्पर्म है, ये स्कोटलम है, यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, ओके okay, अब हमें आपको याद होगा कि ये पोर्शन है शूट सिस्टम दे रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे दैट इज द प्लूम्यूल पोर्शन, ओके, प्लूम्यूल, देन एपिकोटाइल, और प्लूम्यूल के ऊपर थिन शीट उसको जो कवर कर रहा है दैट इज द कॉलियोप्टाइल। ये है दैट इज रेडिकल, उसको ऊपर एक कवर करता है दैट इज कॉलियोरिजा, ओके। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा हुआ है रेडिकल पोर्शन ये सब। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट 11 कंप्लीट होता है और चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको वो लर्न करना है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ही खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।